नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक स्नान के क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ मिलते हैं तथा घर में कैसे खुशियां आती है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। चलो इसकी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक सास थी, उसके चार बहुएं थी। कार्तिक मास आया, सास ने बहुओं से पूछा, मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, मेरे साथ कौन चलेगा। तीन बहुओं ने तो मना कर दिया। छोटी बहू बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, मैं आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन सास बहुएं जल्दी उठी, सारा काम किया, नदी पर जाकर सास ने स्नान किया। बहू सास की साड़ी धोने लगी, कभी कपड़े धोए हुए नहीं थे तो बहू से साड़ी निचोड़ी नहीं गई। घर आकर झड़झड़ती साड़ी सुखा दी, मन लगाकर सास की सेवा करी। स्नान से निर्वत होते ही सास को जरूरत के सब सामान देती। इस बहाने सास के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। कार्तिक माता उससे प्रसन्न हुई। जहाँ साड़ी का पानी झड़ता वहाँ सोने की चीपे, हीरे मोती जगमगाने लगे। घर में सोने चांदी का ढेर हो गया, धन से घर भर गया। कार्तिक महीना पूरा हुआ। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जिमाओ और दान धर्म करो। सास बोली, कैसे करूं, घर में तो कुछ नहीं है। बहू बोली, जितना इच्छा हो ले लो और सब वैभव दिखाया। सास बोली, तू इतना कहाँ से लेकर आई। बहू बोली, मैं तो आपकी साड़ी धोती और सुखाती, इसके पानी झड़ने की जगह धन का ढेर हो गया। धूमधाम से सास बहू ने ब्राह्मण जिमाए, दान धर्म किया। जिठानियां चकित हो गई, देवरानी से पूछने लगी, तूने क्या किया जो इतना धन हो गया। देवरानी बोली, मुझे सास की साड़ी ठीक से निचोड़ना नहीं आता था, साड़ी झड़ती उसके पानी की जगह धन का ढेर हो गया। जिठानियों को ईर्ष्या होने लगी, उन्होंने सोचा अगली बार हम भी सासू जी को कार्तिक स्नान करवाएंगे। कार्तिक आए, तीनों बहुएं बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, हम आपका नियम निभाएंगे। सास बोली, तुमसे जल्दी उठा तो नहीं जाता, कैसे होगा। बहुओं ने बोला, हम जल्दी उठकर साथ चलेगी, आप नहाओ तो सही। कार्तिक का महीना आया, सास स्नान करने गई। बहू साड़ी धोती तो बहू पानी रखती और सुखा देती, एक जनी चाय बनाकर देती, दूसरी पूजा का सामान निकाल कर देती और तीसरी साथ जाती। ऐसा करके तीनों ने महीना पूरा कर दिया और सास को कहने लगी, सासू जी मन आवे जितना धर्म करो, ब्राह्मण जिमाओ। सास बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं। बहुएं बोली, हमारे साथ चलो और साड़ी की झड़ते पानी को धन के रूप में देखने गई, पर देखती है कि वहां सांप बिच्छू इल्लियां हो गई। सास बोली, बहू ये क्या किया। बहुए दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और कहने लगी, ऐसा क्यों हुआ। तो देवरानी बोली, मुझे तो राय दामोदर जी ने प्रसन्न होकर दिया। कार्तिक माता प्रसन्न हुई, तीनों बहुए कार्तिक माता के पैर पकड़कर विनती करने लगी, भगवान आपने ऐसा क्यों किया। कार्तिक माता बोली, छोटी बहू बोली थी, तुम सब ने तो पहले ही मना कर दिया था, पर उसका धन देकर तुम्हें ईर्ष्या होने लगी, जिसके कारण तुमने सासू को भले ही कार्तिक स्नान करवाया, झड़झड़ती साड़ियां सुखाई, पर तुम्हारा खोटा पना तुमको मिल गया। तीनों ने अपनी भूल की क्षमा मांगी और उनका घर पहले जैसे हो गया। हे कार्तिक माता, हे राय दामोदर भगवान, छोटी बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना, बड़ी बहुओं से रुष्ट हुए वैसे किसी पर मत होना, खोटी खरी अधूरी सबकी करो मन की पूरी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।